दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल टॉपर स्टिक पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे रेलवे की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि रेलवे में टिकट कलेक्टर पदों पर उनकी बहाली हो, या वो टिकट कलेक्टर बनना चाहते हैं या TTE बनना चाहते हैं, तो उसका जो सपना है बिल्कुल पूरा होने वाला है, क्योंकि रेलवे ने ऑफिशियली जो है वो एक भर्ती निकाल डाली है टिकट के कलेक्टर पदों पर। एक बहुत ही बड़ी भर्ती है, तो वो मैं ऑफिशियल न्यूज़ आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं तो प्लीज़ आपके वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा तो उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में जो बेल आइकन आता है उसे भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं वो ऑफिशियल न्यूज़ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये खबर निकल के आ रही है वो दैनिक जागरण, आप देख लीजिए ऊपर ये दैनिक जागरण की तरफ से आ रही है, और ये दैनिक जागरण जो है ऑथेंटिक न्यूज़ देता है, हमेशा अच्छी न्यूज़ देता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे थोड़ा नीचे, तो पहले पेज पर ही हमारे सामने ये दिखेगा, आप देख लीजिए ऊपर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं जैसा बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि जो टिकट है टिकट कलेक्टर पदों पर TTE के पदों पर होंगी भर्तियां। यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे लिखा हुआ है TTE के पदों पर होंगी भर्तियां, महिला रेलकर्मी भी जांच कर सकेंगे टिकट। तो इस तरह से ये टिकट, आप देखिए यहाँ पे कितने पदों पर होगी भर्तियां। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रेलवे बोर्ड ने 2500 TTE की नियुक्ति के निर्देश दिए, यानी 2500 पदों पर भर्तियां होंगी। साथ में जो राजधानी और शताब्दी ट्रेन हैं उनके लिए 550 हैंड हेल्ड टर्मिनल भी खरीदे जाएंगे। तो इस तरह से ये न्यूज़ आ रही है, बहुत बड़ी न्यूज़ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है डिटेल्स में, तो आप इस न्यूज़ को पढ़ भी सकते हैं। तो देखिए ऐसा ही यहाँ पे लिखे, इसी के साथ 2500 नए TTE की भर्ती होंगी। तो ये बिल्कुल ऑफिशियल न्यूज़ है, अधिकारी की तरफ से आई है, एक बैठक हुई थी अभी, यहाँ पे देख सकते हैं आप लिखा हुआ है कि रेलवे बोर्ड ने एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 2500 TTE की भर्ती का फैसला किए जाने के लिए बावजूद इन्हें भरने में उदासीनता दिखाई जा रही है। हालांकि उदासीनता दिखाई जा रही है, आपको पता है कि पिछले 2 सालों में कोई भी TTE, यहाँ देखिए लिखा हुआ है पिछले 2 सालों में कोई भी TTE की भर्ती नहीं की गई है। बैठक में इस कमी को दूर करने का जोनल रेल, यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ इस बीच में आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि जोनल रेलों को TTE की रिक्तियाँ सृजित करने तथा क्षेत्रीय भर्ती बोर्ड को भर्ती के इंतजाम करने के निर्देश देने का निर्णय लिया गया है। तो इस तरह से मतलब ये कह सकते हैं कि 2500 पदों पर जो है TTE की भर्तियां आने वाली है और बहुत जल्द आ ही जाएंगी, क्योंकि 2 सालों में नहीं हुई है तो अब ये इन सालों में होना ही है। तो इस तरह से ये अपडेट आई है, आप जिन लोगों का सपना है कि वो TTE बने या टिकट कलेक्टर बने, तो उसके लिए एक अच्छा मौका है, वो अप्लाई कर सकते हैं इन सारे पदों के लिए। तो फिलहाल वेट करिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। तो ये न्यूज़ आई थी, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, और साथ में अगर कोई कमेंट रहता है, कोई डाउट्स रहता है, तो वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं बिना हिचक के। तो आई होप, थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का।